हजरत गिरामी, तो आइए अब मैं आपकी मुलाकात उसी रामपुर के शायर से कराने जा रहा हूँ जो शायरी की दुनिया में चंद बरसों ही में अपनी शोहरत का बड़ा फासला तय कर लिया है और अपनी खाबीदा सलाहियतों को उजागर करके यहाँ की तारीख बदल दी है। मैं बस कुछ न कहते हुए उनको कह रहा हूँ कि हमारे दिल का राज कोई ले नहीं सकता, हमारे दर्द का अंदाज कोई ले नहीं सकता, हमें तो नाते हबीबे खुदा से निस्बत है, इसलिए हमारी आवाज कोई ले नहीं सकता। दागे नबी का जोगो फरमान नहीं पढ़ते, ना दागे नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते है कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते है कुरान नहीं पढ़ते। और हजरत ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाए कि सरकार के आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार के आंखों की ठंडक है नमाजों में, कि सरकार के आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार के आंखों की ठंडक है नमाजों में, क्या आप शरीयत के उनवान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते गए कुरान नहीं पढ़ते। और इस नाते पाक आखिरी शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि बू बकर उमर उस्मान हैदर की फजीलत को, बू बकर उमर उस्मान हैदर की फजीलत को, बू बकर उमर उस्मान हैदर की फजीलत को, इंसान तो पढ़ते गए शैतान नहीं पढ़ते, इंसान तो पढ़ते गए शैतान नहीं पढ़ते। अब आइए हजरात जिस शख्सियत का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुफियान प्रतापगढ़ी, मैं चाहता हूँ कि वो आए और गीत जो फरमाइश की गई है वो पढ़ दें। मैं सुफियान प्रतापगढ़ी को तरन्नुम एक मतला एक शेर तरन्नुम से पढ़ करके मैं उनको दावत देता हूँ माइक पे, मतला बतौर खास समाज फरमाए कि कसम अल्लाह की घर गिज कहीं ऐसा नहीं होगा, कि कसम अल्लाह की घर गिज कहीं ऐसा नहीं होगा, कि कसम अल्लाह की घर गिज अरे नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा, कि नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा, कि मुझे ला लच न दो गिरे जवागिर का जगा वालों, कि मुझे लचन दो गिरे जवागिरे का जगा वालो, अरे किसी भी हाल में ईमान का सौदा नहीं होगा, किसी भी हाल में ईमान का सौदा नहीं होगा।